नमस्कार, समन्या मिचु प्रदीप पोखरियाल और आज हम आया छो दिल्ली घूमना खंड। तो आप थे दिखुला दिल्ली की एक बहुत खूबसूरत जगह वेस्ट टू वंडर। एक खास बात इस पार्क की ये है कि पूरा का पूरा पार्क पूरी तरह से एक्सेसिबल है। दिल्ली में पार्क सराय काले खां के पास में है और आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही शानदार घूमने की जगह है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर वेस्ट चीज़ों से दुनिया के 7 वंडर, जो 7 अजूबे हैं, वो बनाए गए हैं। देखिए, ये पहला है, ये है पिरामिड, गीज़ा के पिरामिड। और ये है पीसा की झुकी हुई मीनार। अपने नाम के अनुसार सारे मॉन्यूमेंट्स वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप यहाँ आइए और इनके सामने अपने कुछ यादें कैमरे में संजो के ले जाइए। आइए, अब आपको दिखाते हैं एफिल टावर, जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। एफिल टावर का ये नमूना या प्रतिरूप मैंने पहली बार देखा है, जो कि हूबहू एफिल टावर जैसा दिखता है। लाइटिंग तक एफिल टावर जैसी की गई है। और ये है कॉलेजियम ऑफ रोम, जो कि एक एम्फी थिएटर है रोम में। ये उसका प्रतिरूप बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या क्या सामान इसमें यूज़ किया गया है, जैसे कार के स्पेयर पार्ट्स, ट्रक के स्पेयर पार्ट्स। और अगली बारी है भारत के अपने ताजमहल की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये वेस्ट मटेरियल से सारा सामान इकट्ठा करके ये सारे प्रतिरूप बनाए गए हैं। सच कहूँ तो सब में मुझे ताजमहल सबसे ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ये मेरी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, आपकी अपनी चॉइस होती है। आप भी अगर जाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पार्क पूरी तरह से एक्सेसिबल है। व्हीलचेयर में यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ पर आराम से आके घूम सकते हैं और यहाँ के वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। अगला मॉन्यूमेंट जो हमने देखा वो था क्राइस्ट द रिडीमर ऑफ रियो, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। ये जीसस क्राइस्ट की एक बहुत विशालकाय मूर्ति है। उसके बाद हम पहुंचे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर या उनके रेप्लिका के अलावा यहाँ पर बहुत ही शानदार पार्क्स और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप आके यहाँ के वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट भी है। छोटा सा यहाँ पर एक झरना भी बनाया गया है, जिसके ऊपर एक छोटा सा पुल है, जहाँ पर दर्शक आके फोटो खिंचाना, सेल्फी खींचना बहुत पसंद करते हैं। ये पार्क रात को 9 बजे तक खुला रहता है, तो आप यहाँ आइए अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और यहाँ पर आके पिकनिक का और यहाँ के वातावरण का आनंद उठाइए। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तथा जंगल का वातावरण इन्होंने रिक्रिएट किया है। और आखिर में आपको यहाँ पर मिलेंगे कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ ईटरीज, जहाँ पर बैठ के कि आप कुछ जलपान कर सकते हैं। आपको ये जगह कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।